अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू SK टेक्निकल ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है चेंज नेम के बारे में। ये बहुत यूनिक नेम है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको अपडेट नेम एंड वही नेम एक्सेप्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपने अपने आईडी को लाइट या किसी भी ब्राउज़र में ऑन करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये अकाउंट है मेरे पास। तो अभी हमने इसका यूनिक नेम एंड जो इमोजी नेम होता है ना, वही हमने अभी लगाना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये नेम है। तो अभी आपने क्या कर लेना है, 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपने कर लेनी है सेटिंग पे क्लिक, ठीक है। तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, फिर नेम पे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आपने यहाँ पे जब आप अपडेट नेम पे भेज रहे हो ना, तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन ख़त्म कर देनी चाहिए, ठीक है। जो नेम वाली ऑप्शन है ना, वो ख़त्म। तो अभी यहाँ पे मैं कोई भी सा नेम डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, पासवर्ड लगा लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपने जस्ट इस तरह क्या लेना है सेम। तो हमारा जो नेम है ना, वो चेंज हो गया। अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने मतलब जिस भी आईडी को मतलब अपडेट नेम पे भेजना है ना, तो फर्स्ट आपने इसका ये ऑप्शन ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट अब आप नेम देख लो, देन आपने क्या कर लेना है, आपने यहाँ पे अदर नेम पे मतलब निक नेम ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कोई सा भी निक नेम ऐड कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निक नेम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने सेम इसी तरह कर लेना है, ठीक है। तो इससे मतलब आपकी अकाउंट फर्स्ट तो हो जाएगी ना अपडेट, फिर वही स्क्रीनशॉट ना, ये आप बिल्कुल मतलब बिना आईडी कार्ड के कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। बिना आईडी कार्ड के आप नेम बना सकते हो इमोजी नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। तो जैसे अब हमने एक स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो फिर से अब हमने वही पे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप नाम, आप लोग नेम देख लो जो निक नेम है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से बैक आ जाता हूँ, फिर से वही 3 डॉट एंड फिर से सेटिंग पे, ठीक है। एंड फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में, फिर नेम में, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा लर्न मोर का, ठीक है। ये देख सकते हो, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फिर आपने नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पे एक फार्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन, ठीक है। इस पर जस्ट आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक कर लेते हो, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपने क्या कर लेना है, जो नेम आपने मतलब निक नेम में डाला था ना, वो आपने यहाँ पे डालना है। एंड बाकी जो कुछ लेटर है ना, वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वो आपने सेम टू सेम डालना है, ठीक है। ये लेटर आप देख सकते हो, ये बिल्कुल न्यू के अपडेट नेम की ना, इससे मतलब आपका अकाउंट कुछ ही मिनट में अपडेट नेम हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे अब आपने निक नेम सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप निक नेम पे अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जस्ट निक नेम पे क्लिक कर लेना है, फिर चूज फाइल पे आपने क्या कर लेना है, वही स्क्रीनशॉट आपने अटैच कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो गया, ठीक है। अब आपने कर देनी है सेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आप सेंड करते हो, थोड़ा सा फिर उसके बाद आपने अपने आईडी को लॉग आउट कर देनी है। अगर फर्स्ट आपके आईडी में मेल ऐड है, ठीक है, तो आपकी आईडी पे मेल, जीमेल पे मेल आ जाएगा। अगर नहीं ऐड है, तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक मिनट, आपके पास कुछ टाइम बाद मतलब फिर इस तरह सेम ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड बैक जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप टाइम नोट कर लो, तो आपने जस्ट बैक जाना है, ठीक है। तो एंड तो फ्रेंड्स, हमारा जो आईडी था वो 10 मिनट के अंदर मतलब 10 मिनट बाद मैंने चेक कर दिया, तो हमारी आईडी है ना, वो अपडेट नेम पे चली गई है, ठीक है फ्रेंड। तो अब आप देख सकते हो, आपने क्या कर लेना है, डोंट अपडेट, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएगी। फर्स्ट पे आपने चूज फाइल में ये स्क्रीनशॉट डालना है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड फिर आपने वही इमोजी नेम जो होता है ना, वो आपने यहाँ पे उठा के, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या कर लेना है, डिस्क्रिप्शन से उठा के यही नाम ना
फिर आपने वहाँ पे लगाना है जी। ये जस्ट बिल्कुल 100% वर्किंग ट्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हो ये इमोजी नाम है, ठीक है। तो ये मैं लगा लूँ, किस तरह आपने पूरा का पूरा नाम कॉपी कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा का पूरा नेम मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया कॉपी। देन आपने इसको क्या कर देनी है, फर्स्ट बॉक्स में आपने इसको कर देनी है पेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट बॉक्स में, आपने सेकंड बॉक्स को खाली रहने देना है। फिर थर्ड बॉक्स में आपने इनविजिबल सिंबल को लगाना है, ठीक है। तो इनविजिबल सिंबल यहाँ पे मैं डाल लूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आपने जस्ट इस तरह कॉपी कर लेना है। जो ब्रैकेट है ना वो आपने नहीं कॉपी करनी, जो इसका बीच का एरिया है वो आपने कॉपी कर देना है। एंड अब थर्ड में आपने ये यूज़ कर लेना है। एंड फिर जैसे आप वो पेस्ट कर लोगे, फिर आपने जिस भी नेम को निक नेम में लिखा था एंड आपकी आईडी जिस भी नेम पे मतलब अपडेट नेम पे गई है, वो नेम आपने यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया, फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हो जाएगी तो ये फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्म था वो हो गया। एंड अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जब तक मतलब एक्सेप्ट ना हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारे आईडी लॉगिन हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।